हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। सो आज का जो वीडियो का टॉपिक होने वाला है वो हमारा इस TP456 चार्जिंग मॉड्यूल के ऊपर होने वाला है। आपने देखा होगा कई बारी कि कुछ इस तरीके का जो बैटरी होता है 3.7 वोल्ट लिथियम आयन बैटरी, ये देख सकते हो आप मेरे पास है 1200 mAh का बैटरी। सेम इसी तरीके का जो बैटरी है 3.7 वोल्ट का, वो 1400 mAh में, 1800 mAh में, 2000 mAh में और उससे भी ज़्यादा mAh में भी आता है। तो उसको चार्ज करने के जो है काम में ये जो है TP456 चार्जिंग मॉड्यूल जो है आता है। तो आज इस वीडियो में इसी टॉपिक पे जो है ये वीडियो होने वाला है। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक चार्जिंग मॉड्यूल से हम कितने सारी बैटरीज को जो है चार्ज कर सकते हैं और कितना टाइम लेगा, कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा, कौन सा चार्जर जो है इसमें लगता है और जो है अगर हम इसे B+ को B- पे या फिर B- को B+ पे कनेक्शन कर देते हैं तो क्या ये जो है हमारी बैटरी जो है ख़राब तो नहीं हो जाएगी। सो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो फ्रेंड्स चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लाइक का बटन ज़रूर से दबा देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो 3.7 वोल्ट का लिथियम आयन बैटरी है इसको चार्ज करने के लिए जो है हमें 4.2 के अराउंड जो है करंट सप्लाई करना होता है, जिसकी हेल्प से जो है ये चार्ज होता है और वो करंट सप्लाई करता है ये हमारा TP456 चार्जिंग मॉड्यूल। सो जो है इसका कनेक्शन सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले बता देता हूँ कि ये जब चार्ज होगा तो आपको कैसे पता लगेगा और जब फुल चार्ज हो गया तो वो भी कैसे पता लगेगा। तो जब ये चार्ज होगा तो यहाँ पर जो है ब्लू कलर का जो है लाइट इंडिकेट करेगा, जो हमें ये दर्शाता है कि हमारी जो बैटरी है वो चार्ज हो रही है। और यहीं पर अगर जो है ये ब्लू कलर का जो लाइट रेड कलर के LED लाइट में जो है ब्लिंक करने लगता है तो आप लोगों को ये दर्शाता है कि हमारा जो ये लिथियम आयन बैटरी है वो फुल चार्ज हो चुका है। तो अब बात कर लेते हैं इसके कनेक्शन के बारे में। तो इसको जो है आप कुछ इस तरीके का जो है केज मंगा करके भी चार्ज कर सकते हो। ये जो है AA बैटरी का केज है 1.5 वोल्ट का, तो ये काफ़ी ज़्यादा छोटा है, बट एक एग्जांपल के तौर पे मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। यहाँ पर आप देखो अगर मैं लगाता हूँ तो ये नहीं लगता है। सेम इसी टाइप का जो है लिथियम आयन बैटरी का भी केज आता है, आप उसे भी मंगा सकते हो, अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट पे है वो अवेलेबल है। तो यहाँ पर इसे रखते हैं और बात करते हैं चार्ज कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर जो है B+ और B- आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा। तो सिंपली B+ पे जो है हमें रेड कलर का वायर को कुछ इस तरीके से सोल्डिंग करना होगा और B- पे हमें ब्लैक कलर के वायर को कुछ इस तरीके से सोल्डिंग करना होगा और उसके बाद जो है इस लिथियम आयन बैटरी को इसके अंदर जो है होल्ड करके हम चार्ज कर सकते हैं। तो ये तो हो गई बेसिक सी बातें। अब बात कर लेते हैं कि इसको जो है चार्ज करने में जो है कितना जो है टाइम लगता है। तो ये जो है बैटरी है इसको सपोज़ करो आप कि अगर जो है आपकी बैटरी 1 से 1.5 घंटे में चार्ज होता है तो अगर आप 2 बैटरी चार्ज करते हो तो वहीं 3 घंटे लग जाएंगे। तो अब बात कर लेते हैं कितने जो है बैटरीज़ को हम इसके एक मॉड्यूल से चार्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी सारी बैटरी हैं। तो एक एग्जांपल के तौर पे आप ये मान लो कि अगर ये जो बैटरी है 1 घंटे आपका जो है टाइम ले रहा है चार्ज होने में, तो अगर आप 2 बैटरी चार्ज करते हो तो वहीं पर 2 या 3 घंटे का समय लग सकता है और 3 बैटरी चार्ज करते हो तो 4 से 5 घंटे का समय लग सकता है चार्ज होने में। लेकिन ये है फ्रेंड कि ये जो है चार्जिंग मॉड्यूल चार्ज कर देगा, बस थोड़ा जो है टाइम लेगा। तो अगर आपको अब मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि अगर B+ पे हम निगेटिव वायर को जो है सोल्ड कर देते हैं और B- पे जो है पॉजिटिव वायर को सोल्डिंग कर देते हैं तो यहाँ पर आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आपकी जो है लिथियम आयन बैटरी ख़राब नहीं होगा। तो यहाँ पर जो है ये मॉड्यूल शायद ख़राब हो सकता है शायद से, लेकिन आपका जो है लिथियम आयन बैटरी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने देगा। तो यहाँ पर देख सकते हो ये सारी जो है बातें हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखना है। और जब भी आप चार्ज करो तो आपको जो है कुछ इस तरीके से जो है सीरीज़ में कनेक्शन बिल्कुल भी नहीं करना है। सीरीज़ में कनेक्शन करने से ये होगा एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम करेगा और आपकी जो बैटरी है वो चार्ज बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इसे कुछ इस तरीके से ये पॉजिटिव और ये निगेटिव कुछ इस तरीके से वायर को कनेक्शन करके यहाँ से पॉजिटिव मिलेगा हमें और यहाँ से जो है निगेटिव मिलेगा। तो यहीं से जो है हमें 2 वायर को कनेक्शन करके जो है हम अपने यहाँ पर B+ B- पे लगा करके ईजिली चार्ज कर सकते हैं बैटरी को। तो ये सब बातों का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और इसको चार्ज करने के लिए हम बात कर लेते हैं कि सबसे पहले जो है किस तरीके का जो है चार्जर लगेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो है पुराने वाले एंड्रॉयड फ़ोन में जो है आता था, तो उसको किस तरीके से यहाँ पर फिक्स करके आप इजीली जो है चार्ज कर सकते हो।
तो ये सब बेसिक सी बातें थी जो मुझे आप लोगों तक पहुंचानी थी, और उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से जो है सीख गए होंगे। सो आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक यू।